बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने कम्युनिकेशन मीडियम के टॉपिक का आगाज किया था और इसके अंदर हमने पहली किस्म गाइडेड मीडिया की डिटेल्स देखी थी। गाइडेड मीडिया में हमने ट्विस्टेड पेयर केबल को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम इसकी बाकी केबल्स, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल की डिटेल देखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल की डिटेल्स जानने से पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। दोस्तों, इसके अंदर भी एक सिंगल कॉपर वायर होता है, जैसे कि ट्विस्टेड पेयर केबल में था, लेकिन ये वायर ट्विस्ट नहीं होता। इस कॉपर वायर के बाद होता है एक प्लास्टिक का इंसुलेटर, उस इंसुलेटर के बाद होता है एक और कंडक्टर, जो कि कॉपर का भी हो सकता है और मेटल का भी होता है, और ये एक जाली नुमा होता है। और इसको जाली नुमा इसीलिए बनाया जाता है ताकि ये सिग्नल को, वायर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से बचा सके। और आखिर में होता है एक जैकेट, जो कि प्लास्टिक का होता है और इसका काम होता है वायर को एक्सटर्नल डैमेज से बचाना, जैसे कि वाटर या फिर और किसी दूसरे डैमेज से बचाने का। तो दोस्तों, इट कंटेन्स 4 to 22 यूनिट्स कॉल्ड ट्यूब्स। दोस्तों, इस कॉपर वायर के अंदर 4 से लेकर 22 तक की ट्यूब्स होती हैं और इन ट्यूब से सिग्नल ट्रेवल कर रहा होता है। और हर ट्यूब का इनर कंडक्टर 0.1 इंच का होता है और आउटर कंडक्टर का जो डायमीटर होता है वो होता है 0.375 इंच। और इसके अलावा, क्योंकि इसके अंदर 4 से लेकर 22 तक की ट्यूब्स होती हैं, तो उन ट्यूब्स का आपस में डिस्टेंस होता है 1 इंच, यानी वो एक दूसरे से 1 इंच के फासले पर मौजूद होती हैं। तो दोस्तों, ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन। आइए इसकी मजीद डिटेल्स देखते हैं। दोस्तों, कोएक्सियल केबल को कोएक्सियल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर दो कंडक्टर्स यूज हो रहे होते हैं, ये पहला कंडक्टर और ये दूसरा कंडक्टर। और दो का मतलब होता है को, और एक्सियल मींस क्योंकि ये दोनों कंडक्टर सेम एक्सिस पर होते हैं, इनका सेम सेंटर होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो इसका सेंटर है वही इसका भी सेंटर है, तो को मींस टू और एक्सियल मींस सेम एक्सिस, तो इसीलिए इसको कोएक्सियल केबल कहा जाता है। आइए अब इसके करैक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। सबसे पहला करैक्टरिस्टिक्स है, कोएक्सियल केबल कैन बी यूज्ड फॉर टेलीफोन लाइंस फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन एट हाई फ्रीक्वेंसी। यानी पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ट्विस्टेड पेयर केबल को, जो कि सिर्फ वॉइस सिग्नल को ही लेकर जा सकती थी और उस सिग्नल को भी सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस यानी कम डिस्टेंस तक ही ले जा सकती थी, और जैसे जैसे डिस्टेंस 100 मीटर से ज्यादा होता था, ट्विस्टेड पेयर केबल में मौजूद सिग्नल वीक होना शुरू हो जाता था। जबकि कोएक्सियल केबल में ना सिर्फ हम वॉइस बल्कि ऑडियो और वीडियो हर तरह के डाटा को सेंड कर सकते हैं, और ये उन सिग्नल्स को 100 मीटर के बाद तक यानी लॉन्ग डिस्टेंस तक कैरी करने की सलाहियत रखता है और उसमें मौजूद सिग्नल वीक भी नहीं होता। तो दोस्तों, इसका ट्रांसमिशन रेट भी ट्विस्टेड पेयर केबल के मुकाबले में ज्यादा होता है। आइए इसका ट्रांसमिशन रेट देखते हैं। अ कोएक्सियल केबल कैन हैंडल 8 टाइम्स एज मेनी टेलीफोनिक ट्रांसमिशन एज ट्विस्टेड पेयर मीडियम। जैसे कि हमने देखा था कि ट्विस्टेड पेयर में हम 9600 बिट्स को 1 सेकंड में ट्रांसफर कर सकते थे ट्विस्टेड पेयर केबल से, जबकि कोएक्सियल केबल इससे 8 गुना ज्यादा तेजी से डाटा को सेंड करता है। तो 8 गुना ज्यादा का मतलब है कि 9600 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये एक वक्त में कोएक्सियल केबल से 76800 बिट्स 1 सेकंड में सेंड हो सकती हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ट्विस्टेड पेयर के मुकाबले में ये कितना तेजी से डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकता है। दोस्तों, आइए देखते हैं कि सबसे ज्यादा कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। इट इज मोस्टली यूज फॉर टीवी ट्रांसमिशन। दोस्तों, इसको आम तौर पर टीवी में जो हम केबल्स यूज करते हैं वो दरअसल कोएक्सियल केबल ही होती है, तो इन्हें टीवी ट्रांसमिशन में यूज किया जाता है, जिसके जरिए ऑडियो और वीडियो दोनों सिग्नल्स को इसमें से ट्रांसफर किया जा सकता है। तो दोस्तों, मेनी कंप्यूटर्स इन लोकल एरिया नेटवर्क आर लिंक्ड बाय कोएक्सियल केबल। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें लॉन्ग डिस्टेंसेस में इसको लॉन्ग डिस्टेंसेस तक भी यूज किया जाता है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंसेस के साथ साथ
अगर कोई लैंड नेटवर्क है, जैसे कि कोई ऑफिस की बिल्डिंग जिनमें मल्टीपल कंप्यूटर्स मौजूद हैं, तो उन्हें भी कोएक्सियल केबल के थ्रू कनेक्ट किया जा सकता है। कोएक्सियल केबल्स हैव वेरी लिटिल डिस्टॉर्शन एंड लेस प्रोन टू इंटरफेरेंस, दे हैव लो एरर रेट्स। तो दोस्तों यहाँ इसका फायदा बताया जा रहा है कि इसका ट्विस्टेड पेयर के मुकाबले में क्या फायदा है। दोस्तों ट्विस्टेड पेयर केबल में, तो केबल को हमने ट्विस्ट कर दिया था जिसकी वजह से हमने सिग्नल्स को इंटरफेरेंस से बचा लिया था, लेकिन यहाँ तो हमने कोई ट्विस्ट नहीं किया, तो यहाँ इंटरफेरेंस को कैसे रोका जाए। तो डियर फ्रेंड्स, कोएक्सियल केबल में जैसे कि आपने देखा था कि पहले वायर थी, देन उसके ऊपर एक इंसुलेटर की लेयर थी, फिर एक कंडक्टर की लेयर थी, और कंडक्टर के बाद एक प्लास्टिक की जैकेट थी। दरअसल ये कोटेड लेयर्स ही इसको इंटरफेरेंस से बचाती है, जिसकी वजह से इसमें एरर आने के चांसेस भी कम होते हैं और नॉइस और इंटरफेरेंस के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं इस कॉपर मैश कंडक्टर की वजह से। और फ्रेंड्स एक और बात याद रखिएगा, जितना किसी भी सिग्नल में वॉइस और इंटरफेरेंस का रेशियो कम होगा, उतना ही वो सिग्नल तेजी से और ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकता है। और कोएक्सियल केबल की इसी बेटर शील्डिंग की वजह से इसमें मौजूद सिग्नल दूर तक और ज्यादा स्पीड के साथ ट्रेवल कर सकता है। और फ्रेंड्स ये देखिए, कोएक्सियल केबल इज ऑफन यूज फॉर टेलीफोन लाइन्स दैट मस्ट बी कैरीड अंडर वाटर, यानी इसमें जो सबसे आखिरी लेयर होती है, जो कि प्लास्टिक की लेयर होती है जिसको जैकेट कहा जाता है, ये पूरी केबल पर मौजूद होती है, जिसकी वजह से केबल को एक्सटर्नल डैमेज जैसे कि फायर या फिर वाटर से बचाया जा सकता है। तो इसीलिए इसको आमतौर पर अंडर वाटर केबलिंग्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके इतने सारे एडवांटेजेस के बाद, इतने सारे करेक्टरिस्टिक्स के अलावा, इसका एक डिसएडवांटेज भी है। इट इज एक्सपेंसिव देन ट्विस्टेड पेयर केबल। दोस्तों ये ट्विस्टेड पेयर केबल के मुकाबले महंगी होती है ड्यू टू एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी लेयर्स मौजूद होती हैं और इन लेयर्स को लगाने में भी कीमत दरकार होती है, तो जिसकी वजह से ये ट्विस्टेड पेयर केबल के मुकाबले में थोड़ी सी कॉस्टली होती है, थोड़ी सी महंगी होती है। दोस्तों ये थी कोएक्सियल केबल। आइए अब अगली केबल फाइबर ऑप्टिक केबल की डिटेल देखते हैं। दोस्तों अभी तक हमने जो केबल्स देखी, जैसे कि ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, उनमें से इलेक्ट्रिकल सिग्नल मूव कर रहा था, जिसकी वजह से हमें सिग्नल को वाटर और दूसरे फिजिकल और एक्सटर्नल डैमेज से बचाने की जरूरत पड़ती थी। जबकि फाइबर ऑप्टिक केबल में, इन फाइबर ऑप्टिक केबल द सिग्नल मूव इन द फॉर्म ऑफ लाइट। दोस्तों फाइबर ऑप्टिक केबल में सिग्नल लाइट की शक्ल में ट्रेवल करता था, और लाइट की शक्ल में क्या होता है, एवरी ऑन पल्सेस रिप्रेजेंट वन बिट एंड व्हेन देयर इज नो पल्स मींस इट्स जीरो बिट, यानी हर एक पल्स, यानी हर वन पल्स रिप्रेजेंट करती है वन को, और जहां पल्स नहीं होती मींस इट्स जीरो बिट। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि कैसे कोई भी डाटा इस तरीके से, यानी लाइट की शक्ल में ट्रेवल कर सकता है। तो डियर फ्रेंड्स यहां होता ये है कि इट्स सोर्स साइड इज कन्वर्टर व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू लाइट, यानी जहां से हम डाटा को सेंड कर रहे होते हैं वहां एक डिवाइस यूज होती है जो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट में। यानी इसमें सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल की शक्ल में ही डाटा मौजूद होता है, लेकिन क्योंकि फाइबर ऑप्टिक केबल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं गुजर सकता, हमें लाइट की फॉर्म में सिग्नल को भेजना होता है, तो पहले हम उसको कन्वर्ट करते हैं इन कन्वर्टर्स के थ्रू। देन द लाइट इज ट्रेवल फ्रॉम फाइबर ऑप्टिक केबल, उसके बाद लाइट को ट्रेवल कराया जाता है उस फाइबर ऑप्टिक केबल से, और जब वो लाइट रिसीवर के पास पहुंच जाती है तो अगेन द रिसीवर हैव कन्वर्टर विच कन्वर्ट लाइट इनटू ओरिजिनल डेटा, यानी उसके बाद जो रिसीवर होता है वो क्या करता है, उस इस डिवाइस के थ्रू उस लाइट सिग्नल को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो कि उसकी पहली फॉर्म थी। तो दोस्तों इस तरह इसमें कम्युनिकेशन करवाई जाती है। आइए इसकी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। इन फाइबर ऑप्टिक केबल हैज इनर कोन ऑफ ग्लास कॉल्ड कोर, इसमें सबसे अंदर
जो लेयर होती है वो होती है ग्लास की, जिसको कहा जाता है कोर। और दोस्तों इस कोर से ही दरअसल लाइट को ट्रेवल करवाया जाता है। द टिपिकल कोर डायमीटर इज 62.5 माइक्रोन और इस कोर का डायमीटर होता है 62.5 माइक्रोमीटर। इसके बाद एक और लेयर होती है जो कि ग्लास की ही होती है और इसको कहा जाता है क्लैडिंग। दोस्तों इसका डायमीटर होता है, यानी इस क्लैडिंग का डायमीटर होता है 125 माइक्रोन, जो कि डबल होता है इस कोर के डायमीटर से। और दोस्तों आखिर में जो इसकी लेयर होती है, जो कोटिंग होती है, वो होती है प्लास्टिक की और ये कहलाती है जैकेट। दोस्तों अब आइए देखते हैं कि इसके अंदर लाइट किस तरीके से ट्रैवल करती है। द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट थ्रू अ फाइबर ऑप्टिक केबल इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दोस्तों फाइबर ऑप्टिक केबल में जो लाइट को ट्रैवल करवाया जाता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रोसेस के थ्रू करवाया जाता है। इसमें होता क्या है, लाइट ट्रैवल कर रही होती है इस ग्लास कोर से, जो कि उसे बताता है कि उसे किस वे में, किस रास्ते से ट्रैवल करना है। लेकिन दोस्तों लाइट की ये खसूसियत होती है कि जो वो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर होती है तो कुछ बैंड हो जाती है, यानी एक तरफ झुक जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये लाइट ट्रैवल कर रही है और जैसे ही ये दूसरे मीडियम के अंदर एंटर हुई ये इस तरफ बैंड हो गई, और जैसे ही लाइट बैंड होती है तो वो बाहर की तरफ निकलती है और बाहर होती है इस ग्लास कोर, जो कि कहलाती है क्लैडिंग। तो क्लैडिंग क्या करता है, दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट इनवर्ड टू द केबल, यानी क्लैडिंग जो कि खुद ग्लास का है वो उस बैंडेड लाइट को दोबारा उस कोर ऑफ द ग्लास की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है, मींस दोबारा उसको पलटा देता है, जिसकी वजह से नो लाइट एस्केप फ्रॉम द ग्लास कोर बिकॉज ऑफ दिस रिफ्लेक्टिव क्लैडिंग, यानी लाइट ग्लास कोर से बाहर नहीं निकल पाती। इस पूरे प्रोसीजर को कहा जाता है इंटरनल रिफ्लेक्शन। दोस्तों जैसे कि क्या हुआ, जैसे ही लाइट दूसरे मीडियम के अंदर एंटर हुई वो कुछ बैंड हुई, जैसे ही लाइट बैंड होती है यानी वो बाहर की तरफ निकलती है तो बाहर मौजूद होता है ये क्लैडिंग, और ये क्लैडिंग क्या करता है, इसको रिफ्लेक्ट बैक करता है, यानी इसको दोबारा से इस वायर की तरफ पलटा देता है, जिसकी वजह से इस लाइट को दोबारा वायर के साथ ही ट्रैवल करना होता है। और इससे होता क्या है, आपकी लाइट सिग्नल बाहर नहीं आ पाता, और ये पूरा प्रोसीजर कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आइए इसके एडवांटेजेस को देखते हैं। द फाइबर ऑप्टिक ट्रांसफर डाटा फास्टर देन सम टेक्नोलॉजीज। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाकी टेक्नोलॉजीज जैसे कि ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल में डाटा इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू ट्रांसफर होता है, जबकि यहाँ इन टर्म्स ऑफ लाइट ट्रैवल होता है, यानी लाइट की शक्ल में डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। और लाइट इस यूनिवर्स की सबसे तेज चीज है, जिसकी वजह से जो डाटा लाइट के थ्रू ट्रांसफर होता है वो भी बहुत तेजी के साथ ट्रांसफर होता है। और दोस्तों ये देखें, इट हैज 26,000 टाइम्स द ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ ट्विस्टेड पेयर। दोस्तों ट्विस्टेड पेयर 9,600 बिट्स को एक सेकंड में ट्रांसफर कर सकती थी, जबकि फाइबर ऑप्टिक केबल 9,600 मल्टीप्लाई बाय 26,000, यानी इतनी सारी बिट्स को एक सेकंड में आप फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करा सकते हैं। अ मेजर एडवांटेज ऑफ फाइबर ऑप्टिक मीडिया इज इट्स हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी। दोस्तों इसमें लाइट ट्रैवल करती है ना कि इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट में स्पार्क होने के चांसेस होते हैं और यहाँ तो लाइट है, जिसकी वजह से ये बहुत सिक्योर होता है, इसमें किसी किस्म का स्पार्क होने के चांसेस नहीं होते। दीज कम्युनिकेशन चैनल्स आर नॉट ससेप्टेबल टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, देयरफॉर दे आर मोर रिलायबल फॉर्म ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। क्योंकि फाइबर ऑप्टिक केबल में लाइट ट्रैवल करती है, जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के चांसेस नहीं होते, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में होती है, और जब यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं होती तो ना ही सिग्नल में नॉइस होती है और ना ही डिस्टॉर्शन, जिसकी वजह से जो सिग्नल सेंडर को भेजा जाता है
जो सिग्नल सेंडर रिसीवर को भेजता है उसको वही सिग्नल मिलता है बिना नॉइस के और बिना लॉस हुए। इसीलिए दूसरी केबल्स के निस्बत ये सबसे ज्यादा रिलायबल केबल मानी जाती है, क्योंकि इसमें डाटा के लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो दोस्तों ये थे इसके एडवांटेजेस, आइए इसके कुछ डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स आर एक्सपेंसिव। दोस्तों ये अपनी प्रोटेक्टिव शील्ड की वजह से, यानी इतनी सारी लेयर्स की वजह से, ये ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल की निस्बत महंगी होती है। डिफिकल्ट टू इंस्टॉल, इनको इंस्टॉल करना भी मुश्किल होता है, और साथ के साथ द मेंटेनेंस इज आल्सो एक्सपेंसिव, और इसको मेंटेन करने के लिए भी एक भारी कीमत दरकार होती है। तो दोस्तों ये था गाइडेड मीडिया, जिसके अंदर हमने ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल की डिटेल्स, उसकी कंस्ट्रक्शन, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखा। अगले लेक्चर में हम अनगाइडेड मीडिया यानी वेव्स की डिटेल्स देखेंगे।